देश के कई राज्यों में जारी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसी कार्रवाई को असंवैधानिक बताया और ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारी को बख्शे नहीं जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले आरोपी और परिजनों को वैकल्पिक आवास के लिए समय देना होगा। आपको बता दें कि उदयपुर में देवराज हत्याकांड मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चला था और इसके बाद ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी अधिकारी के पास इतना पावर नहीं कि वो किसी का घर तोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर एक कानून है, कानून की प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का मकान तोड़ना अवसंवैधानिक है। इससे उदयपुर भी अछूता नहीं रहा। उदयपुर में 16 अगस्त का वो दिन जहाँ पर देवराज की हत्या हुई थी, उसके बाद पूरे उदयपुर में है जो तनाव बढ़ गया था, उदयपुर में तोड़फोड़ जैसी घटना भी सामने आई थी। उसके बाद 16 अगस्त के 17 अगस्त को ही जो आरोपी अयान शेख है उसके घर के यहाँ खड़ा हूँ और ये पूरा जो घर है वहाँ पर नोटिस चस्पा करने के बाद नगर निगम ने यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इस पूरे मकान को है ध्वस्त कर दिया। उसके बाद परिवार ने आरोप लगाया कि हमको जो है समय बिल्कुल नहीं दिया गया कि हम कहीं पर और जगह शिफ्ट हो जाते। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि कोई भी अगर आपको किसी मकान ध्वस्त भी करना है तो उसको ले वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के बाद उसका मकान है वो ध्वस्त कर जाना चाहिए। परिवार है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे घर पर शिफ्ट हुआ है, वहाँ पर रहता है। उन परिवार से बात करेंगे क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, किस परिस्थिति में वो घर रह रहे हैं, क्या समय उनको दिया गया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी बड़ी बहन दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है, मैं की बड़ी बहन जी। वो घटना हुई थी, आपको कितने दिन का जो है समय दिया गया उसके बारे में? 2 घंटे का समय मिला हमें उसको उस चीज के लिए। घर की सुबह 6 बजे नोटिस लगा, 2 घंटे का हमें समय मिला था सामान निकालने के लिए, पर मेरे फादर अंदर ही थे तो कैसे सामान निकालते हम। तो फिर 10 बजे बतन पुलिस वाले आते हैं और सारा सामान के धमकी देते हैं हमारे को, बतन ये सामान निकाल लो नहीं तो सब मारे जाओगे। फिर हमारे सामान निकालने के लिए हमारे पास तो कोई था ही नहीं, फिर नगर निगम वालों ने खुद नहीं सामान निकाला, खुद नहीं सारा सामान रोड पर फेंका, आधा सामान हमारा घर में ही दब गया। और बस आपकी फैमिली में कौन कौन है उसके बारे में? मेरे फादर हैं, हम 4 बहन हैं, जिसमें मेरी एक बहन तो मेरी अपाहिज है, वो घर में बैठी है अपाहिज बहन मेरी, बाकी और कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कोई भी किस तरह की कार्रवाई होती है तो अधिकारियों को ये नहीं पावर कि वो किसी का घर ध्वस्त कर सके, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अधिकारी की सबकी गलती है सर, 15 दिन का तो कम से कम टाइम देना चाहिए। अगर घर अवैध था तो पूरी कॉलोनी अवैध है, यहाँ पे पूरी कॉलोनी ठेठ यहाँ से गुलाबाग रोड से लेकर ठेठ मिलिट्री तक अवैध कॉलोनी है, यहाँ पे सबका घर गिराते हैं। और उसी दिन को क्यों मतलब वो करा नोटिस? 16 तारीख को कार्रवाई हुई थी तो 17 को ही क्यों मिला नोटिस? इतने साल सरकार कहाँ गई थी? इतने पब्लिक यहाँ रह रही है, करोड़ों लोग रह रहे हैं यहाँ पर, करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों लोग हैं, सब यहीं पर रह रहे हैं, सबको देना चाहिए नोटिस। आपको सूचना दी गई सुबह सुबह ही कि या नोटिस चिपका है उसके? चुपचाप नोटिस चिपका दिया घर के आके, चुपचाप चिपका के गया। हमें तो मालूम भी नहीं कि हमारे घर को कोई नोटिस लगा के गया। वो तो मैं सुबह उठी और मेरा हाथ चिपका वहाँ पे दीवार पे, जाके मैं बाहर निकली तब पता चला घर के नोटिस लग गया घर तोड़ने के लिए। और घर के नोटिस में भी 3 दिन का टाइम था, फिर भी 2 घंटे बाद ही घर तोड़ दिया। आपने एक सामान फिर कहाँ पर शिफ्ट किया? आपके परिवार के लोग थे वो कहाँ पर शिफ्ट हुए? परिवार में तो सिर्फ 2 ही जने हैं, सिर्फ एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन, बस वो मेरे घर में है। मेरे पापा जेल में है, भाई वहाँ राजनगर जेल में है, सब अपने अपने। अभी आपका परिवार का है जो गुजारा कैसे होता है उसके? क्या करें आप, घर में मेरी मम्मी काम करने जा रही है, थोड़ी बहुत आ जाता है तो ले आती है, नहीं तो वह बैठे हैं घर में ही। ये थी अयान की बहन जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह कार्रवाई करनी है तो जो एक माकूल जो समय है वो देना चाहिए जिससे कि जो परिवार के जो लोग हैं वो अपना सामान है वो खाली कर सकें। न्यूज़ अपडेट 24 के लिए उदयपुर से पूरन प्रजापति।